जागरण से अश्विनी शर्मा। संक्षिप्त में प्लीज। हेलो, संक्षिप्त में मेरा सवाल इतना है सर कि यात्रा शुरू होने से पहले का राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर है? हाँ, थैंक यू। यात्रा शुरू होने से पहले के राहुल गांधी और करनाल तक पहुंचे, इसमें कितना अंतर आया है आपके अनुभव में और व्यक्तित्व में? भैया ये तो आपका डिसीजन है, ये तो आप लोग जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो। मेरा निर्णय तो नहीं है, मेरा डिसीजन तो नहीं है, तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या है, कौन है, क्या नहीं है, क्या बदलाव आया, क्या बदलाव नहीं आया, उसमें थोड़ी सी सच्चाई आप बोल सकें तो अच्छी बात होगी, और नहीं बोल सकें तो वो भी ठीक है। पंजाब केसरी से मनोज राणा। सर नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरी वैसे हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ जी, देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत, सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता, और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना आएगा, पक्का आएगा कि डिस्ट्रैक्ट करना है भैया, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है, वो भी आएगा। तो आप करिए जो आपको करना है, मुझे भी करना है काम। थैंक यू। अमर उजाला से सेवा सिंह। अब भैया पीएम वाला पूछिए, वो 3 है आपके, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीएम कौन, पीएम कौन। अमर उजाला से सेवा सिंह। राहुल जी नमस्कार, कहाँ है? हाँ, हाँ जी, सॉरी शेर, यात्रा चल रही है, बहुत चर्चाएं हो रही है, लेकिन कांग्रेस के संगठन की भी उतनी चर्चा हो रही है कि मतलब आगे चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं लोग यात्रा के जोड़ के, तो संगठन की भी इतनी ही चर्चा हो रही है कि संगठन नहीं मतलब बन पा रहा, संगठन नहीं बन पा रहा जी सर। तो ये कब तक पॉसिबल होगा, कार्यकर्ता भी इंतजार में रहते हैं सर, मेहनत करने वाले। देखिए सबसे पहले ये कहना कि संगठन नहीं है ये तो बिल्कुल गलत है। संगठन संगठन तो मतलब सड़कों पे आपको दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, तो ये सवाल आपको खारगे जी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हरियाणा का संगठन में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाएगी। मैं हरियाणा के 3 डिजिटल न्यूज चैनल से सवाल पूछवाऊंगा। लोकवाणी से मनदीप पूनिया। हाँ जी माइक दीजिएगा इनको जल्दी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहौल है, नफरत फैल रही है, डर का माहौल है। आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती है, उनके घर की बिजली काट दी गई है, वो अंधेरे में रह रही है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर एक 19 साल के आदिवासी लड़के का छत्तीसगढ़ पुलिस एनकाउंटर करती है, तो डर का माहौल भी आपको दिख रहा है। और क्योंकि इस यात्रा से आप कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की नफ उसको डर को आप कम करना चाहते हैं, तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही बात ये है। कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है।
प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पर डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहां पे इश्यूज हैं, वहां पे लैंड एक्विजिशन की इश्यूज हैं और वहां पे हाँ टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। धन्यवाद। मसले से सर्वमित्र कंबोज। नमस्कार सर, इधर। सर मैं देख रहा हूं आप स्पीच में जवान यात्रा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली वहां जाऊंगा और पर्सनली इस बात को समझने की कोशिश करूंगा, अगर वहां पे कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। नमस्कार सर, इधर ही। नमस्कार। सर, आप हर स्पीच में तकरीबन जवान और किसान की बात करते हैं। हाँ जी। किसान की अगर बात करें तो आपको पता है लंबा आंदोलन हमारे देश में हुआ, हालांकि सरकार ने कानून वापस ले लिए लेकिन MSP का मुद्दा अभी भी बरकरार है, उसके लिए किसान अभी भी संघर्ष कर रहा है। पंजाब में अभी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी लेकिन आपने लागू नहीं की। क्या अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे? और जो किसान MSP मांग रहा है क्या वो आप MSP देंगे? देखिए, ऐसी ये जो चीजें होती हैं ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। कि भैया, सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं जी। उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इंप्लीकेशंस असेस करते हैं और फिर उस पर निर्णय लेते हैं जी। मैं यहां कह सकता हूं हां करेंगे ना करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा और वो गारंटी करके हम करेंगे। जैसे हमने न्याय योजना के बारे में कहा था, हमने अलग अलग स्टेट्स में कर्जा माफी की बात की थी, जब हमारे मैनिफेस्टो में आ जाता है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसको डायरेक्टली खाद की प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो तीन किसान की काले कानून थे वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत GST
छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी, और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे, और उस पर हम निर्णय लेंगे, मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। मैं सीरियस आदमी हूं, मैं अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो क्रेडिबली निकलना चाहिए, सच्चाई निकलना चाहिए। नहीं, सप्लीमेंटरी नहीं, 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 एक सेकंड, जवान की बात करता हूं, जवान की बात, बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा, जिस स्टेट में आप बैठे हैं आंकड़ों के हिसाब से टॉप पर, सप्लीमेंटरी प्लीज, टॉप पर, नो सप्लीमेंटरी नहीं, एक जवान के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप आपके एक बस एक सेकंड सर, आप कहते हैं कि कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई मेडिकल करता है, आईएएस करना चाहते हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं कितनी जॉब्स हैं, तो आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है? हमारे देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरी में ऐसा कौन सा रोड मैप होगा कि हम उनको सेट कर पाएं? देखिए, ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है, ठीक है। झूठ क्या है? मैं अब 3,000 किलोमीटर चला हूं, युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और सारे के सारे, मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सबके सपने टूटेंगे। मेरे पास एक बच्ची आई, कहती है मैं आईएएस में जाना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, आईएएस में हर साल कितने लोग जाते हैं? मुझे कहती है 5 लाख लोग जाते हैं। मैंने उसको कहा नहीं बेटा, 5 लाख लोग नहीं जाते हैं, 150 लोग जाते हैं। रोने लग गई। तो ये झूठ, ये देश अपने बच्चों से, अपने भविष्य से झूठ बोल रहा है, और ये इनका दिल तोड़ेगा। हर रोज इनका दिल टूटता है, इनके सपने टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि जो रोजगार, जो लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं, उनकी हम मदद नहीं करते हैं, उनकी हम प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं सोचते। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है, GST, डीमोनेटाइजेशन, और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है, नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था, ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ, नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं, जो सपने पूरे कर सकते हैं, उनको, उनकी हत्या हो रही है। तो रोड मैप क्या है? रोड मैप यह है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए,
और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए, ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं, जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसको उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा और यहां पे मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। वो रोड मैप है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। हमारे पास सिर्फ 10-12 मिनट है, सवाल संक्षिप्त में कीजिएगा और फिर से गुजारिश करूंगा सप्लीमेंट्री मत पूछेगा प्लीज, ये रैपिड फायर होना है, कई लोग को मौका देना चाहता हूं मैं। सत्य खबर से सत्य सिंह सर। नमस्ते सर। पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पहले डिफेंस मोड में रहती थी अब अटैकिंग मोड में है, हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है, आपकी टीम ये अच्छा काम कर रही है। पर मैं हरियाणा के संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सेंटर से ही सवाल रहता है। अभी पीछे राज्यसभा का चुनाव था, जब माकन जी ने चुनाव लड़ा था उस समय में एक क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के पास वोट पूरे थे उसके बावजूद कांग्रेस अपना राज्यसभा का सदस्य नहीं भेज पाई थी, उस पे ना आज तक कोई जांच की बात आई है और ना अभी तक उस पे कोई कार्रवाई जैसी बात है। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस प्रकार के मुद्दों पर भी, जिस प्रकार से देखिए सोशल मीडिया की बात करें, सोशल फेस बनाने की बात करें, कांग्रेस का जबरदस्त फेस होता जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दों पर भी पार्टी में चर्चा होती है? डिस्ट्रैक्शन अटेम्प्ट नंबर 2। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल मामला है, यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट बैठे हैं, खारगे जी प्रेसिडेंट हैं, ये आप उनसे पूछिए, इनसे पूछिए। मेरा लक्ष्य क्लियर है, जो देश की आवाज है उसको सामने लाने का। अच्छा अटेम्प्ट था, मैं कहूं कि उससे अच्छा था, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। टोटल टीवी से प्रदीप। नमस्कार राहुल जी, धन्यवाद। नहीं, एक और बात जो आपने कहा, नहीं एक 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 बात आपने कही जो जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। आप बैठ सकते हैं, ये कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है। राहुल जी समय की पाबंदी भी है। हाँ, नहीं मगर मैंने पहले कहा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपने मुझे पूछा कि राहुल गांधी में कोई बदलाव आया, एक बात मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है कि ये जो लड़ाई है ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सुपरफिशियली ये राजनीतिक लड़ाई है। जब हम बीएसपी से लड़ते हैं या टीआरएस से हमारा चुनाव होता है तो वो राजनीतिक लड़ाई होती है, मगर अब देश में एक चेंज आ गया है। जब से आरएसएस ने इस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही, इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, ये तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप
तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है, धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है, ठीक है। आरएसएस की पूजा अलग है, आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पांस एक ही हो सकता है, उसका रिस्पांस तपस्या ही हो सकता है, और कोई रिस्पांस नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो यात्रा है ये बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी तपस्या नहीं कर रही है, सिर्फ एक व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, इसमें लाखों लोग तपस्या कर रहे हैं। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपने रोड मैप की बात पूछी, कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए, क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था, उसका मैसेज था किसान, किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है, उनका वो काम है, हमारा ये काम है। राहुल जी नमस्कार। शुक्रिया राहुल जी। टोटल टीवी से प्रदीप। राहुल जी नमस्कार, मैं प्रदीप। और ये जो आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं है ये, अभय मुद्रा है, डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है, अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है, ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा आपने गुरु नानक की फोटो देखी है, उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है, उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है, और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी, और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है, ये उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है।
शुक्रिया राहुल जी, मेरा डर है कि मैं अच्छा लगा में इसको जवाब अच्छा लगा पाऊंगा। राहुल जी 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है प्लीज। फाइनली टोटल टीवी से प्रदीप, फाइनली धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार जयराम जी, धन्यवाद आपका सवाल पूछने का मौका देने के लिए। राहुल जी, हमने देखा है जब ये यात्रा चल रही है, आपकी टी शर्ट बहुत चर्चाओं में है और खासतौर से मुझे आप लोगों ने डांट भी पड़वा दी, और ये 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 डांट पड़वा दी आपने मुझे, टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे कि तुम कैसे घूम रहे हो। राहुल जी, सवाल मेरा यह है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है, चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, नहीं एक ही सवाल प्लीज प्रदीप, हरियाणा सवाल, एक ही सवाल प्लीज, हरियाणा का जिक्र प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज, एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है, बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिवजी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप, इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा, हैरान क्यों लग रहे हो आप? राहुल जी 2-3 सवाल बाकी हैं, प्लीज इनको ले लीजिएगा। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा, सर मध्य प्रदेश को लेकर आपने कहा था कि जो जो सरकार है वहां पर बनती हुई नजर आएगी, हरियाणा में आप इतने दिन से घूम रहे हैं, हरियाणा को लेकर असेसमेंट किस तरीके का है आपका सर? प्लस सर जोशीमठ में जिस तरीके के हालात है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हरियाणा का मैं आपको बता देता हूं, और सिर्फ हरियाणा का नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्चुअली काफी हैरान हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि नॉर्दर्न बेल्ट में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, नॉर्दर्न बेल्ट में सदर्न बेल्ट से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यूपी में आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा में ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो यहां पॉजिटिव ही होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी विदाउट डाउट, मगर मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार आएगी, और मैं उस बात को गारंटी करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आए, मध्य प्रदेश में आए, तो वो किसानों की सरकार हो, रिस्पेक्ट की सरकार हो, सब लोगों को सुनने की सरकार हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सवाल को गलत जगह रोक देते हो, सरकार किसकी आएगी? नहीं, सरकार आने के बाद वो सरकार 5 साल क्या करेगी, उसमें इंटरेस्ट है मुझे। शुक्रिया राहुल जी, आखिरी सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा से इशिका ठाकुर। नमस्कार सर, आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है, राजनीतिक नहीं, तो क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं, ये देश तपस्वियों का देश है, जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है? हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है हिंदुस्तान का ऐसा, आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है? क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, रियलिटी इस देश की ये है। और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है जो आप कहते रहते हो,
तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। नहीं मैडम, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया राहुल जी, प्लीज। नहीं, अभी वक्त खत्म हो चुका है, प्लीज